रियल स्टेट एड विद जिमी सिंह, जहां हम आपके सवालों के जवाब आपकी भाषा में देते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि कौन से सवाल दें ताकि सबसे ज़्यादा ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिमी सिंह के साथ कि आपने हमारे प्रोग्राम को लाइक किया और सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। आज का सवाल मेरे ख्याल है GTA में बहुत कॉमन है। हमारे भावन साहब ने ये हमें सवाल भेजा है और बोलते हैं कि मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ही वांट टू सेल उसमें उनके टेनेंट हैं। तो क्या स्मार्टेस्ट, क्या आसान तरीका होगा कि जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है विद टेनेंट्स अगर वो सेल करें तो उसके लिए क्या आप टिप्स देते हैं? श्योर। सो भावन, सबसे पहले जो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस इफ़ यू वांट कि वो स्मूथ प्रोसेस चले और आपको बेस्ट प्राइस मिले, टेनेंट एंड यू शुड बी ऑन द सेम पेज। सही। क्योंकि आप ये सोचिए, अपने आप को टेनेंट की जगह पे रख के सोचिए कि लेट्स से हम किसी को घर से निकाल रहे हैं, हाउ डू यू फील? उसका बच्चा स्कूल में जा रहा है, दे ऑलरेडी यू नो डेकोरेटेड द हाउस एंड सडनली यू नो यू ड्रॉप द बॉल के यू नो गाइज यू हैव टू बी आउट इन 60 डेज। एंड अगर कोई बंदे को 5-7 साल रहते हो गए हैं एंड रेंट्स हैव स्काई रॉकेटेड, टोरंटो में कॉन्डोज का एवरेज रेंट है $4/sq ft जी, राइट? एंड अगर आप बेसमेंट देख लें या घर की बात कर लें, आसमान छू रहे रेंट। तो जिसको भी हम घर से निकालेंगे ऑब्वियसली ही वोंट बी हैप्पी। एंड इफ यू स्टार्ट एट द रॉन्ग नोट, और लोग आजकल स्मार्ट हैं, उनको अपने हक पता है, एंड दे कैन गो टू ट्रिब्यूनल एंड मेक योर लाइफ लिविंग हेल, राइट? सबसे पहले वो तो नहीं चाहेंगे मेरा। हाँ जी, हमारा एक वीडियो यू कैन चेक आउट अबाउट यू नो व्हाट थिंग्स टू टेक केयर। सो सबसे पहली बात है कि इफ यू आर प्लानिंग टू सेल, मेक श्योर के आप जो कोई नई लीज जो है उसको रिन्यू ना करें, और मेक श्योर मंथ टू मंथ रहे। ओके, यू डोंट कंटिन्यू विद दैट, राइट? ठीक है। एंड सो बेसिकली ये देखा गया कि अगर किराएदार घर में रहता हो उसकी थोड़ी सी प्राइस कम मिलती है, वर्सेस अगर घर वेकेंट हो, यू कैन स्टेज इट, यू कैन क्लीन इट, एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर। उसके लिए आपको एंड यूजर भी मिलता है, इन्वेस्टर भी मिलता है। अगर ऐसे किसी घर पे लीज है और लीज अगले साल तक है, तो जो भी खरीद रहा है उसने अगर अपने रहने के लिए लेना है, ही विल डिस्काउंट योर प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी देखेगा नहीं, सिर्फ इन्वेस्टर ही देखेगा। ठीक है, बिकॉज आपका जो मार्केट है बारिश की कम हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो ऑलरेडी लीज है तो वो तो अच्छी बात है। नो, आई डू सेल, आई बेसिकली इस साल के शुरू से भी मैंने 4 प्रॉपर्टी ऐसी बेची जिसमें टेनेंट बैठे हुए हैं टू इन्वेस्टर्स, एंड वी गेट अ गुड प्राइस बिकॉज वो स्टार्टर होम थे। ठीक है, बट अगर लेट्स से आपने गलती की कि एक किराया 4 साल से बैठा, आपने उसका किराया भी नहीं बढ़ाया, और मीन टाइम किराया हैव स्काई रॉकेटेड। सो अगर एक गली में दो घर लगे हैं, एक का किराया 2000 है, दूसरा का 2800 है, सेम एग्जैक्टली सेम, सो जो 2800 वाला है, इट विल फेच मोर मनी, इट जस्ट नॉर्मल, राइट? सो पहली बात क्या गाइज, इफ यू वांट टू शो द हाउस यू हैव टू गिव 24-hour नोटिस टू फॉर द शोइंग्स, एंड लॉ सेज नो ओपन हाउस एंड नो शोइंग्स अलाउड। सॉरी, ओके, जितने मेरे दोस्त हैं एजेंट्स हैं, दे माइट बी वंडरिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, बट द लॉ सेज यू कांट डू ओपन हाउस इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी, और आप उसको स्टेज नहीं कर सकते। ठीक, सो दैट माइट बी द हैंडीकैप, पर मेरे पास एक सलूशन है, विल टॉक अबाउट दैट डाउन द लाइन। एंड उसके बाद क्या आपको करना पड़ेगा कि बेसिकली चेक फर्स्ट, आप स्टार्ट करें लीज देखें, अपना पेपर वर्क कि जो लीज है उसकी अपना एंड कब होता है, वो उसका अगर मंथ टू मंथ पे जैसे बताया उसको रिन्यू ना करें। और दूसरी बात क्या, अगर उसमें आपने एक क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर टेनेंट अच्छा है, एक साल की टर्म के बाद वो एक साल के लिए मैं और रिन्यूअल तेरे को दे दूंगा, अगर आपने ये क्लॉज लिखा हुआ है, यू बेटर मेक श्योर, क्योंकि यू कांट किक द टेनेंट आउट अगर उसमें रिन्यूअल क्लॉज है। अच्छा, सो यू कांट किक टिल द एंड ऑफ न्यू टर्म। ओके, राइट? सो आप एक बार थॉरली इसको पढ़े देखें, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट यू नो लीज का कैसे डाइसेक्ट करना है, गिव मी अ कॉल, आई विल बी एबल टू हैंडल। एंड सेकंड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बंदा घर खरीद रहा है, इवन वो अगर मूव करना भी चाहता है और लीज के अगर 8 महीने पड़े हैं, ये नहीं कि आपकी क्लोजिंग 60 दिन में वो कहेगा मैं नोटिस देके एंड 12 उसको बाहर निकाल दूंगा, ही हैज टू वेट टिल द एंड ऑफ द लीज। अच्छा, सही है, अनटिल के आपकी कोई सेटिंग है टेनेंट के साथ, ही एग्रीड टू वॉलंटरली मूव आउट और आपने उसको कुछ पैसा दिया है, पर यू कांट किक द टेनेंट आउट इवन समबडी इज बाइंग टू लिव हिमसेल्फ, क्योंकि लीज का है, इट ओवरसीड एवरीथिंग। अच्छा, गिव यू रियलिस्टिक एग्जांपल, 8-9 साल पहले एक पावर ऑफ सेल पे प्रॉपर्टी मैंने बेची थी किसी को GTA में, TD बैंक का पावर ऑफ सेल था, टेनेंट की 2 साल की लीज पड़ी थी। सो द पर्सन हु बॉट इट, ही थॉट कि मैं अपने में किक कर दूंगा, बैंक सेज के आप ये प्रॉपर्टी एज इज कंडीशन पे खरीद रहे हो, हम कुछ गारंटी नहीं देते, उसने पूरा जोर लगा लिया, ही कांट इवन किक द टेनेंट आउट।
सो उसको दो साल की वेट करनी पड़ी, देन बेसिकली उसने रेनोवेट करके प्रॉपर्टी फ्लिप की. सो यू नो टेनेंसी के लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स, राइट? एंड सो मेन जो क्वेश्चन है, जैसे भवन ने पूछा है कि मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, कैन आई यू नो बेसिकली टेल द टेनेंट टू गो अवे, राइट? सो लॉ इज वेरी स्ट्रेट. लॉ कहता है कि हम सिंपली कि हमने प्रॉपर्टी बेचनी है, हम किराएदार को निकाल दें, आप ऐसा नहीं कर सकते अंटिल यू हैव अ साइंड एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड परचेज विद द बायर. अच्छा. सो लेट्स से मैंने प्रॉपर्टी सेल पे किया, मेरे पास ऑफर एक्सेप्टेड आ गया और कंडीशन सारी रिमूव हो गई, देन इज द टाइम आई हैव टू गिव द टेनेंट 60 डेज नोटिस. ठीक है. मैं उसको एंटवल इशू करूंगा अगर जो फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ द मंथ है. जैसे मैंने 25 को ऑफर एक्सेप्ट की, आई स्टिल हैव टू वेट 5-6 डेज, जब एक तरीक आती है उसकी लीज का जो डेट है, फ्रॉम देयर यू हैव टू वेट 60 डेज फॉर द नोटिस एंटवल. ठीक है. राइट. अगर आपको दिक्कत लगती है कि वो आपको हार्ड टाइम देगा, सो बेसिकली यू कैन हायर अ पैरालीगल और मे बी फाइल एप्लीकेशन फॉर एविक्शन, सो आपकी जो क्लोजिंग है वो स्मूथ हो जाए. ठीक है. एंड देन दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो भी हम अपना टेनेंट है उसके अगर चाहते हैं अच्छा रिलेशन रखना, सो बिफोर इवन यू पुट अ हाउस ऑफ फॉर सेल, आस्क हिम यू नो व्हाट हिज प्लान्स, उसकी मदद करें नया घर ढूंढने में. बिकॉज अगर टेनेंट को आप नया घर ढूंढ देते हैं, या लेट्स से आप इन्वेस्टर जिसका 3-4 प्रॉपर्टीज एरिया में है, उसे कहो यार मेरा ये घर है, तो यहाँ से निकल के उसरे घर में चले जा. बिकॉज अगर उसमें चले जाओगे, ही इज़ मोर ओपन फॉर यू नो आपकी हेल्प करने के लिए, ज़्यादा ओपन होगा एंड रिसेप्टिव होगा, एंड यू कैन ऑल्सो स्टेज द हाउस एंड यू नो बेसिकली फ्लेक्सीबिलिटी मिल जाती है, सो यू कैन गेट टॉप डॉलर. सो हेल्प हिम फाइंड अ हाउस. एंड एक और पीछे लॉ था 2017 में आया था, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर कि अगर एज अ लैंडलॉर्ड मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है एंड डाउन द लाइन मेरा बच्चा उसमें मूव करना चाहता है या मैं खुद उसमें मूव करना चाहता हूँ, 2017 का लॉ कहता है यू हैव टू पे टेनेंट 1 month रेंट फॉर हिम टू गो, दैट्स अ लॉ. अच्छा. यस. अगर वो स्टक हो के कहे मैं नहीं मूव कर रहा, एंड आप जिधर मर्जी लॉयर के पास चले जाओ, ट्रिब्यूनल में चले जाओ, लॉ कहता है आपको 1 महीने का किराया दे के अपने घर में मूव करना पड़ेगा, इवन वो मंथ टू मंथ पे भी है. सो कीप दैट इन माइंड. एंड आई फाइंड समटाइम्स इट्स चीपर टू गिव हिम 1 month रेंट, और उसकी कोई मूविंग कॉस्ट है यू नो इफ पुश कम टू शव, टेल हिम कि आपने मूव करना है, आपकी 500-700 जो कॉस्ट है आई विल पे फॉर इट, आपको राइट ऑफ मिल जाएगा टैक्स रिटर्न के लिए, वो बंदा हैप्पी है. बिकॉज हर बंदा अपना सेल्फिश इंटरेस्ट देखता है. वी आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, राइट? सो ट्राई टू मेक अ डील. बीइंग ह्यूमन टू, लाइक यू नो, अगर कोई बंदा आपके घर में इतने सालों से रह रहा है, तो यू शुड बी कंसिडरेट टू दैट टू. करेक्ट, करेक्ट. एंड लास्टली आई कैन ओनली से यू नो वर्क विद अ नॉलेजेबल एक्सपीरियंस रियल एस्टेट एजेंट हु नो व्हाट दे आर डूइंग, और उनको इसका तजुर्बा और एक्सपर्टीज हो लैंडलॉर्ड टेनेंट एक्ट की, एंड हु हैव प्रीवियसली वर्क विद टेनेंटेड प्रॉपर्टीज, उनको पता है भी कैसे मसला ईजिली कर सकते हैं, सो योर ट्रांजेक्शन कैन गो स्मूथ एंड यू कैन फेच टॉप डॉलर्स. सो गाइज, इफ यू लुकिंग टू सेल एनी प्रॉपर्टी इन GTA, गोल्डन हॉर्सशूज, साउथ वेस्टर्न ओंटारियो, गिव अस अ कॉल. वी हैव 15 ईयर एक्सपीरियंस हेल्पिंग अवर क्लाइंट्स यू नो सेल प्रॉपर्टीज. भावन जी, वी हैव गिवन यू 8 टिप्स दी थी डिफरेंट चीज़ों की. आई होप ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, और जो भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा कि अगर वो एक रेंटल प्रॉपर्टी में जिनमें टेनेंट हैं उनको बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं. बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और धन्यवाद. और देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए रियल इस्टेट एज विद जिमी सिंह, जहां हम आपके सवालों के जवाब आपकी भाषा में दे रहे हैं.